चैनल DTWS ब्लॉग्स पर एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक मजेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। ये रेसिपी मैं पहले आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ, बट उसी रेसिपी को मैं आप लोगों के लिए आसान तरीके से रिक्रिएट कर रही हूँ। तो ये मेरी रिक्रिएट रेसिपी है। तो जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो है अरबी के पत्तों की पतौड़, लेकिन अलग तरीके से। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और स्नैपचैट पे, और यूट्यूब पे मुझे ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम अपनी ही एक रेसिपी को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लिया है बेसन, दही और ये अरबी के पत्ते। जी हाँ, हम अरबी के पत्तों से जो हमने पतौड़ बनाए थे, हम उसकी रेसिपी को हम रिक्रिएट कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अरबी की डंठल की जो ये वेन है ये हमें काट लेनी है। तो हम इसकी वेन को कुछ इस तरह से काट लेते हैं। ये हमने वेन अलग कर दी, घबराइए नहीं। अगर जैसे अगर आपका पत्ता ये इस तरह से कट गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं उसमें इन चीजों का फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए सभी की वेन अलग कर लेते हैं। अब पत्तों की वेन काट ली, काटने के बाद हमें एक के ऊपर एक रखना है। इसको आप कैसे भी करके फोल्ड कर लीजिए। इस तरह से हम इसको पूरे को फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद इसको हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से, और अब हम इसको बारीक बारीक काट लेंगे। जितना बारीक काट सकते हो उतना बारीक काट लीजिए। अब ये पत्ते हमने इस तरह से काट लिए। अब हम क्या करते हैं, एक बर्तन में ले लेते हैं बेसन, ले लेते हैं दही और लेंगे कुछ स्पाइसेस। डालते हैं इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर फ्रेश अदरक लहसुन हो तो आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं। पहले हम इसकी एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। अभी हमने इसमें कोई मसाले नहीं डाले हैं। मसाले हम अच्छे से ये मिक्स हो जाए, हमारी एक स्लरी तैयार हो जाए, तब हम डालेंगे। अब डालते हैं इसके अंदर मसाले, डालेंगे हल्दी पाउडर, डालेंगे मिर्च पाउडर, डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, नमक डालेंगे स्वाद से थोड़ा सा कम। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसमें अब कोई लम्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पत्ते करे थे ये अब हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया। स्पाइस, हरी मिर्ची डालना चाहते हैं डाल लीजिए, और भी अगर कुछ डालना चाहते हैं अपने फ्लेवर के लिए, टेस्ट के लिए, तो आप वो डाल सकते हैं। अब ये कढ़ाई हमने ली है, इसको गर्म होने रख दिया था। इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा ऑयल, बहुत थोड़ा सा ऑयल लगेगा इसमें। इसको हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं। फिर अब जो ये हमने डो तैयार किया है वो हम इसमें डाल देते हैं। अब हमें इसे एक गाढ़ा डो बनाने तक अच्छे से मिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं काफी हद तक ये गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे तब तक करना है जब तक ये हल्का किनारे छोड़ने स्टार्ट ना कर दे। देखिए ये अब हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को करते हैं ऑफ, और साथ ही साथ मैंने ये प्लेटें ग्रीस करके रखी थी। अब हम अपना डो इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब ये डो ट्रांसफर कर दिया हमने, अब हम इसको इवनली स्प्रेड कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे ये जल्दी ठंडा हो जाए। तो ये दो प्लेटें हमने तैयार कर ली हैं इस तरह से। अब इसको हम कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, जिससे ये अच्छे से हमारा सेट हो जाए। अब ये हमारे देखिए अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें नाइफ की सहायता से इसको कट कर लेना है। पीसेस आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, पीसेज आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा, छोटे बड़े किस हिसाब से आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपनी कटिंग कर लीजिएगा। अब हम इस तरह से इनको अलग अलग कर लेंगे। तो ये हमने अलग अलग कर लिए हैं, और साथ ही साथ मैंने कढ़ाई के अंदर बहुत थोड़ा ऑयल लिया है। आप चाहे डीप फ्राई करना चाहते हैं तो डीप फ्राई कर लीजिए, और शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई कर सकते हैं। मैं इसको शैलो फ्राई करूंगी। तेल मेरा गर्म हो चुका है, तो मैं इस तरह वन बाय वन इसको ऑयल में करती जाऊंगी और अच्छा सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया सुनहरा कलर आ रहा है। कुछ इसी तरीके से हम अच्छे से सेक लेंगे और इसको हम ऑयल से बाहर निकालते हैं। चलिए ये अच्छे से सिक चुका है, इसको हम ऑयल से बाहर निकालते हैं। इसे बाहर निकालते हैं और साथ ही साथ करते हैं प्लेटिंग। पेशे खिदमत आप सभी के लिए रिक्रिएट रेसिपी अरबी के पतौड़े। मेरी पुरानी वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी
मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन के साथ में ऑल का ऑप्शन आएगा, उसे याद से दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताइएगा आपने रेसिपी ट्राई करी है तो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, तब तक के लिए बाय बाय।